हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू व्याख्या वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को ऑनलाइन किस तरह आप पे कर सकते हैं आसानी से। बीएसएस के जो कंज्यूमर्स हैं, चाहे वो राजधानी पावर लिमिटेड से हो या यमुना पावर लिमिटेड से हो, तो वो अपना बिल जो है पेमेंट किस तरह कर सकते हैं। आपको सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन करना है वो आपको ओपन करनी होगी www.bses-tehli.com। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद आपका जो है इस तरह का कुछ होम पेज नज़र आएगा, जहाँ पे आपको इस तरह आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस नज़र आएंगे जो कि आपके हैं यहाँ पर BSES राजधानी पावर लिमिटेड ये एंड BSES यमुना पावर लिमिटेड। तो अगर आप BSES राजधानी पावर लिमिटेड के कंज्यूमर हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और अगर BSES यमुना पावर लिमिटेड से हैं आप तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद जो आपको होम पेज नज़र आता है वो आपको इस तरह का कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो BSES राजधानी पावर लिमिटेड वाली वेबसाइट को ओपन करके यहाँ दिखा रहे हैं। सेम प्रोसीजर जो है वो यमुना पावर के लिए भी है, तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप इसे समझ जाइएगा, देन आप वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं आप ऑनलाइन आसानी से। तो यहाँ पे जैसे ही आप वेबसाइट ये ओपन करते हैं, मेन होम पेज ये आपको इस तरह कुछ यहाँ पे नज़र आता है, एंड यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, माय अकाउंट का, पेमेंट का, बिलिंग का एंड अदर ये ऑप्शंस हैं। तो आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखना है वो आपको पेमेंट वाला ऑप्शन को जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर, देन यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, तो यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे CA नंबर डालना है एंड यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये दोनों ही जैसे ऑप्शन आप यहाँ पे फिल कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा एक बटन जो कि है क्विक पे का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक दूसरा पेज शो करेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका CA नंबर आपने फिल किया था वो आपको यहाँ शो करेगा, उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर फ़ोन नंबर है वो आपको यहाँ शो करता है, और जो भी आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी होती है वो आपका यहाँ पे शो करता है। उसके बाद आपको जो क्लिक करना है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन उसके बाद जो है आपको इस तरह का कुछ पेज नज़र आता है। तो यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स जो होती हैं वो आपको यहाँ शो करेंगे, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे ही यहाँ पे CA नंबर आपको शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी नेम है, जिसके नाम से ये कनेक्शन है उनका नेम शो करेगा, एंड आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, सर्कल आपका शो करता है यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट या फिर इसे हम डिवीज़न भी कहते हैं वो आपको यहाँ शो करेगा, किस तरह की कैटेगरी में आपने कनेक्शन लिया हुआ है, डोमेस्टिक है या नॉन डोमेस्टिक है। राइट, नॉन डोमेस्टिक जनरली आपकी दुकानों के लिए, शॉप्स के लिए होता है, तो इस तरह की कैटेगरी यहाँ पे शो करेगी। अगर आपका घरेलू है तो आपका डोमेस्टिक रेजिडेंशियल शो करेगा। कितने किलोवाट का आपका सेंट्रल लोड है वो आपको यहाँ पे शो करता है, एंड उसके बाद आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो आपका यहाँ पर नज़र आएगा, एंड ड्यू डेट जो है वो आपकी यहाँ पर नज़र आती है, जो आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट होती है। अगर आप इस ड्यू डेट के बाद पेमेंट करते हैं तो आपका यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस भी लग के आता है आपके बिल में। राइट, उसके बाद ये सारी डिटेल आप चेक करने के बाद आपको पता लग जाता है कि आपका ही बिल है, देन उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट गेटवेज के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से आप कोई सा भी चूज़ करके आप यहाँ से पे कर सकते हैं। जनरली जो कंज्यूमर्स है वो पेटीएम या बिलडेक्स जो है वो चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बिलडेक्स के बारे में बता देता हूँ। आप जनरली मान लीजिएगा इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नज़र आता है वो इस तरह का कुछ नज़र आएगा, जहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग या फिर कोई भी आपका वॉलेट है उसके थ्रू, UPI के थ्रू एंड गूगल पे के थ्रू या फिर फ़ोन पे, इनके थ्रू जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं आसानी से ऑनलाइन। एंड यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो जितना भी पेमेंट होता है बिल का वो आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट शो करता है। तो इसे आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका ये उतना ही है जितना आप पे करने जा रहे हैं या बिल में जो आपका रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। राइट, तो इस तरह जो आप आसानी से जो है यहाँ से पेमेंट कर सकते। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपका जो पेमेंट रिसीव होता है BSES पे वो आपका 3 मैक्सिमम वर्किंग डेज का टाइम लगता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि बैंक से तो पैसे कट जाते हैं बट इसे अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप वर्किंग डेज में 3 दिन के अंदर इसे कंफर्म कर सकते हैं, या तो कॉल करके या फिर आप दोबारा से चेक करके CA नंबर डाल के, अगर आपका पे हो जाता है तो आपको 0 आउटस्टैंडिंग शो करेगा। राइट, तो इस तरह जो है आप यहाँ से पे कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके एंड्रॉयड ऐप से भी यही सेम प्रोसीजर होता है, वहाँ से भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एंड्रॉयड ऐप से आप BSES के एंड्रॉयड ऐप से आप किस तरह पे कर सकते हैं आसानी से।
आज हमने वेबसाइट से यहाँ पे बताया, राइट। तो ये काफ़ी आसान मेथड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और भी जो कंज्यूमर्स हैं BSES के उन्हें, एंड कमेंट करके आप अपने सुझाव दे सकते हैं या जो भी पूछना चाहते हैं BSES के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या कैलकुलेशन, बिल के कैलकुलेशन क्या होती है, प्रोसीजर क्या होता है कनेक्शन या न्यू कनेक्शन या सेंसर लोड कम करने के बारे में, वो सारी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और उसके साथ साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, क्योंकि अगर बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं तो न्यू वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन जो है आपको नहीं मिल पाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।